करुणा बता रहा। हरे कृष्ण। तो आप सब क्या सोच के आए हैं? आज मीटिंग होगी कि क्लास होगी? एक तो बताया गया मीटिंग है, ऊपर से बताया गया स्पेशल क्लास है, तो सब कंफ्यूज है कि क्लास करेंगे या मीटिंग करेंगे, क्या करेंगे ये, है कि नहीं? तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा, खास करके जो लोग आईडीसी एग्जाम दिए थे, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी पास कर चुके हैं आईडीसी के, है ना? अरे वो कुछ लोग दुखी है, कहाँ आईडीसी पास कर लिया मैंने, अभी मुझे क्या क्या अभी करना पड़ेगा पता नहीं, है ना? दीक्षा लेने के लिए मजबूर कर देंगे ये लोग। कुछ लोग खुश है लेकिन यस। तो आप सभी आईडीसी में पास हो चुके हो, चिंता मत करिए। जो पास नहीं हुआ है उनको पर्सनली हम पास करा देंगे वापस। वैसे देखा जाए कि अगर कड़क पेपर चेक करते तो 100% 50% ही पास हो पाते, 50% फेल हो जाते। मगर आपको काफी छूट देते हुए आपका पेपर करेक्शन की गई है, इसके लिए आप सभी पास हो गए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि पास होना या फेल होना। बड़ी बात ये था कि हमने कितना समझा, पूरा 6 दिन का कोर्स में, 7 दिन था 6 दिन था जो भी था, हमने क्या समझे, उसको हम अपने जीवन में क्या उतारेंगे। ओके, तो मैं खास करके आज आप लोगों को इसके लिए बुलाया कि हम सब मिलकर चर्चा करेंगे थोड़ी समय कि प्रभु जी ठीक है, आईडीसी हो गया। कुछ लोग के मन में ये चल रहा है कि आईडीसी हो गया मीन्स अभी मैं पूर्ण 100% क्वालिफाइड हो गया हूँ दीक्षा के लिए, अभी जब भी दीक्षा होगा मुझे दीक्षा दे दिया जाएगा। कुछ कुछ भक्त के मन में ऐसे हो सकता है। तो ये दीक्षा तक कैसे पहुंचने हैं हमको, वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या कठिनाइयों को सामना करनी पड़ेगी हमको, है कि नहीं? तो थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे हम लोग, क्या क्या कठिनाई आएगी हमारे जीवन में, खास करके दीक्षा तक क्या क्या कठिनाई आएगी। खैर कठिनाई हमको लग रहा है वो कठिनाई नहीं है, वो एक्चुअली हमारे लिए औषधि है, ऐसे सोच सकते हैं। तो कैसे पहुंच सकते हैं वहां तक, तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद जी की पर्पट से शुरू करना चाहूंगा। तो श्रीमद भागवतम के पहला स्कंद की दूसरा अध्याय की 13 नंबर श्लोक है भागवतम का, आपके सामने है। नहीं मैं स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पर ऑप्शन यानी कुछ गड़बड़ है तो स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पा रहा, तो क्षमा करिए, आप सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ बस प्रभुपाद जी का पर्पट। तो श्लोक है, अतः कुंभ द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। अनुवाद, अतः है द्विजश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वो है भगवान को प्रसन्न करना। क्या कहते हैं यहाँ पर, अतएव कुंभी द्विजश्रेष्ठ यानी मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ क्या है, वर्णाश्रम विभाग सर, अपने वर्णाश्रम की माध्यम से वो क्या, उसका निष्कर्ष क्या है, वर्णाश्रम से क्या करेगा, स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम्। उसका अंतिम लक्ष्य है वर्णाश्रम का हरितोषणम, भगवान हरि को प्रसन्न करने का जो है लक्ष्य है वर्णाश्रम। चार वर्ण है, चार आश्रम आप सब जानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। तो हम सब यानी मुझे मत मिलाइएगा, बाकी सब गृहस्थ आश्रम में है कि नहीं? तो गृहस्थ किसको कहते हैं और कैसे एक अच्छा गृहस्थ बन सकते हैं? वैसे शास्त्र के अनुसार गृहस्थ उसको कहते हैं जिसकी घर में गृहिणी है, यानी पत्नी है तो वो गृहस्थ है, नहीं तो बिना पत्नी को उसको गृहस्थ नहीं कहा जाएगा, है कि नहीं? पत्नी के साथ रहना उसको गृहस्थ कहा जाता है। गृह यानी गृहिणी के साथ, स्थ यानी स्थित होना रहना, उसको गृहस्थ कहते हैं, है कि नहीं? गृहिणी के साथ स्थित होना रहना उसको गृहस्थ कहा जाता है। तो हम गृहस्थ आश्रम में होने के कारण
बहुत सारा हमारा जिम्मेदारियां हैं, है कि नहीं, बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं और हमने बहुत बड़ा चैलेंज उठा लिया है। भगवत भक्ति हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है एक प्रकार से, है कि नहीं, खास करके गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी के लिए ये चैलेंज नहीं है, यही उनका जीवन है। गृहस्थ के लिए ये एक चैलेंज है। बोले कि चैलेंज क्यों बोल रहे हो प्रभु जी, क्या चैलेंज है? बोले कि यस, क्योंकि उनके पास कहीं सारा जिम्मेदारियां होते हैं एक गृहस्थ के पास। सर्वप्रथम तो उनको तीन आश्रम को संभालना होता है, चार आश्रम का, अपना घर, साथ साथ में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी, तीनों आश्रम को भी उनको संभालना है गृहस्थों को, इतना बड़ा जिम्मेदारी। ये सब संभालते हुए साथ साथ में उनको क्या करना है, भगवान का प्रिय बनना है, भगवान को प्रेम करना है। इसलिए आज समझेंगे कि आसानी से कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, कृष्ण का पास पहुंच सकते हैं, कैसे उसका विधि। तो शास्त्र में शरणागति के बारे में बताया गया है, शरणागति। अच्छा, शरणागति का अर्थ क्या, आप में से कोई एक दो जन बता सकते हैं, शरणागति किसको कहेंगे? आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं, शरणागति किसको कहेंगे? शरणागति कोई कहना चाहेंगे, आप में से कोई है जो बताना चाहेंगे, शरणागति किसको कहेंगे? कोई हाथ उठा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ जी, दुर्गा माता जी एक हाथ उठा रहे हो, हाँ सुमन माता जी हाथ उठा रहे हैं, हाँ दुर्गा माता जी बताइए क्या है शरणागति? भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण करना। भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण करना शरणागति, बहुत अच्छा। सुमन माता जी आप क्या कह रहे हैं? भगवान के चरणों में अपने आप को सरेंडर करना और गुरु के आदेश, उपदेश और निर्देश का पूर्ण रूप से पालन करना शरणागति। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। हाँ जयंती प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु के आदेशों पर पूर्ण विश्वास, उन पे ऐसा विश्वास कि अक्षर पालन करना, जैसे जिस प्रकार द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण को समर्पण पूर्ण रूप से कर दिया तब जाके भगवान आए थे, ठीक उसी प्रकार वर्तमान में हमें भगवान न मिल, गुरु जो मिलते हैं उनके आदेशों पूर्ण शरणागति होनी चाहिए, मतलब उनके अनुसार। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सुमन माता जी हाथ उठाए थे, राइट? यस सुमन माता जी। गुरु आचार्य व शास्त्रों के निर्देशानुसार भगवान की सेवा के लिए कार्य करना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो यस, शरणागति का अर्थ भक्त लोगों ने बताया, एकदम सही बात बताया, एकदम परफेक्ट है कि भगवान को पूर्ण तरह शरणागत होना, उनका शरण लेना, कैसे? गुरु के आदेश से, शास्त्र और गुरु के आदेश के अनुसार भगवान का शरण लेना, उसको शरणागति कहा जाता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा है, शरणागति का लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति शरणागत है कि नहीं है, क्या लक्षण है? हाँ प्रभु जी बताइए। उमेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी। जिसके प्रति शरणागत हो उनकी अनुपस्थिति में अपने नियम और कर्तव्य पूर्णतया ईमानदारी से करना। बहुत अच्छा, अनुकूल जैसे संकल्प, अनुकूल चीजों को अपनाना है और प्रतिकूल चीजों को वर्जन करना है, बहुत बढ़िया। और कोई, और कोई कहना चाहेंगे क्या, और क्या लक्षण है? उमेश को बताया कि जो अनुकूल चीज है शरणागति का, उसको स्वीकार करना, प्रतिकूलों को त्याग देना। और कोई? देखो क्लास साथ साथ में मीटिंग है, आप लोग, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बीच बीच में, मैं क्लास है तो मैं आपको पूछता नहीं था, सिर्फ क्लास दे देता, मीटिंग यानी मैं आपको पूछ रहा हूँ बीच बीच में, आपसे भी उत्तर चाहिए। कोई कहना चाहेंगे, और कुछ कहना चाहेंगे, क्या लक्षण होनी चाहिए शरणागति के लिए, और क्या लक्षण, कैसे पता चलेगा किसी को देख के ये शरणागत भक्त है, ये कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागत है, या आधा शरणागत है, या 25% शरणागत, कैसे पता चलेगा? जी माता जी, सुमन माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने अपने जो दैनिक जीवन के कार्यक्रम है उसमें भौतिक इच्छाओं वासनाओं को त्याग करके और आध्यात्मिक रूप से भगवान की सेवा में
अपने आप को नियोजित करने से ही पता चलेगा कि हम कितने शरणागत हैं या भगवान की सेवा कितनी प्रतिशत करते हैं उससे। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके, हाँ जयंती प्रभु बोलिए, क्या बोलना? शरणागति का प्रमुख लक्षण ये होता है प्रभु जी कि जो अपने गुरु के आदेश जब मिल जाता है ना, तो उसके उसके बाद उसके लिए कोई काम प्रायोरिटी पर नहीं रहता, केवल उसका काम भगवान गुरु जी का काम ही प्रायोरिटी पर होता है, सारा काम छोड़ देता है, वो शरणागत होता है पूर्ण रूप से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उत्तर है। कितना गुरु के आदेश उपदेशों को पालन कर रहा है वो उतना शरणागत भक्त है। जितना हम गुरु के आदेश को पालन कर रहे हैं हम उतना शरणागत है। ये एक्चुअली मुख्य लक्षण है, मुख्य लक्षण है। वेरी गुड, तो ठीक है, मैं प्रभुपाद जी का थोड़ा तात्पर्य पढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक के ऊपर है। तो इस श्लोक में अनुवाद में मैंने पढ़ा कि वर्णाश्रम का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। वर्णाश्रम का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। ध्यान रखिएगा, हमारा वर्णाश्रम जो है उसको दैवी वर्णाश्रम कहते हैं। हमारा वर्णाश्रम को हम क्या कहते हैं, दैवी वर्णाश्रम। शास्त्र के अनुसार एक नॉर्मल वर्णाश्रम और एक दैवी वर्णाश्रम। क्या है नॉर्मल में और दैवी में? नॉर्मल वर्णाश्रम जैसे कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह वो अपना अपना करेगा, कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। क्षत्रिय युद्ध करेगा बस, कृष्ण से लेना देना नहीं है, बोलते मैं कि क्षत्रिय हूं। वैश्य शूद्र वैसे ही है। ब्रह्मचारी गुरुकुले बसंतांत, गुरुकुल में रह रहा है, गुरु हित के लिए रह रहा है। गुरु ब्रह्मचारी गुरुकुले बसंतांतम गुरु हितम, ब्रह्मचारी गुरुकुल में रह रहा है, गुरु के हित के लिए रह रहा है, ब्रह्मचारी है, भक्ति प्राइम नहीं है उसके लिए। गृहस्थ अपने घर परिवार को अच्छे से संभाल रहा है, जो बाकी साधु संतों का सेवा कर रहा है सब कर रहा है, वानप्रस्थ और संन्यास। मगर जिसमें कृष्ण जुड़ जाते हैं, कृष्ण के लिए लक्ष्य क्या है, ये चार वर्ण चारण आश्रम का कृष्ण की प्रसन्नता, उसको दैवी वर्णाश्रम कहते हैं। प्रभुपाद जी कई भागवत के तात्पर्य में इस बात को कहते हैं, हर एक आश्रम हर एक वर्ण का मुख्य उद्देश्य अगर कृष्ण की प्रसन्नता है तो उसको दैवी वर्णाश्रम कहते हैं। तो यहां पर प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बहुत सुंदर कहते हैं, सारे विश्व भर में मानव समाज चार वर्ण तथा चार आश्रम में विभक्त है। चार वर्ण है, बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुणों के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के चार आश्रम भी हैं, इसके नाम है विद्यार्थी जीवन जिसको हम ब्रह्मचारी कहते हैं, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और संन्यास जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इस तरह की विभाजित है, विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य क्या है, परम भगवान को प्रसन्न करना ही लक्ष्य है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाने जाते हैं, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम अधिपत्य के लिए नहीं किया जाता है। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोरी वर्ग पर कृत्रिम अधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ब्राह्मण तो मैं श्रेष्ठ हूँ, वो बाकी लोगों को दबोचेगा। ब्रह्मचारी सन्यासी सोचेगा हम श्रेष्ठ है, गृहस्थों को दबोचेंगे। हाँ, ये प्रभुपाद जी कहते हैं, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि दूसरे वर्गों को नीचा करके उसको दबोचना। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम अधिपत्य पहले से ही चालू है, किंतु जो लोग सयाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए हैं
अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं है। यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें, इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी की गई है, चौथा अध्याय की 13 नंबर श्लोक में। तो कभी ये नहीं सोचनी है कि ब्रह्मचारी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो श्रेष्ठ हूं, घर बार छोड़ के आया हूं, मैं ही भक्ति कर सकता हूं, गृहस्थ क्या भक्ति करेगा, या गृहस्थ भी ऐसा नहीं सोचना चाहता हम कितना जिम्मेदारी के साथ भक्ति कर रहे, ब्रह्मचारी क्या है उसके लिए तो कोई जिम्मेदारी नहीं, ना गृहस्थ ऐसा सोचे ना ब्रह्मचारी ऐसा सोचे, ना सन्यासी को ऐसा सोचना चाहिए मैं तो सर्वोच्च आश्रम को ग्रहण किया हूं इसकी बाकी सब लोग बेकार है, ऐसा भी नहीं। ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में कृष्ण के प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए, ना कि खुद की इंद्रिय भोग खुद की सुख को प्राप्त करने के लिए या मान सम्मान के लिए को कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर भक्त लोग कहे कि खास करके एक जो गृहस्थ होते हैं वो किसी गुरु की शरण में रहकर, आध्यात्मिक गुरु प्रामाणिक गुरु की शरण में रहकर वो क्या करते हैं, अपने गृहस्थ जीवन साथ साथ में भक्तिमय जीवन को एक वार्ड प्रभुपाद जी कहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं घर पे, क्या कहते हैं, शांति से जीवन निर्वाह करते हैं, शांति से। आप बताइए हमारे जीवन में कितना शांति है, पत्नी के नाम शांति होने पर भी घर में शांति नहीं है, यह हमारा जीवन नहीं, शांति नहीं, हम लोग बहुत टेंशन में है, बहुत विचलित है। शांति का अर्थ क्या है समझ जाइए, शांति क्या है, शांति यानी शास्त्रों के विरुद्ध कार्य ना करना, उसको शांति कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या है, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य को नहीं करना, वही शांति है, वही शांति है। मांस खाएंगे तो अशांति होगा, भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो शांति है, व्यभिचार करेंगे अशांति है, अपने स्त्री के साथ संबंध रखना शांति है, नशा करना अशांति है, जूस पीना शांति है, भगवान को भोग लगाकर। शांति का अर्थ यही है कि कोई गड़बड़ नहीं करना है जीवन में, कोई कौन अशांत रहता है जो गड़बड़ करता है कि नहीं है, जो सच्चा है वो अशांत क्यों होगा, वो तो गर्व से जिएगा है कि नहीं है, उसकी उसकी मन विचलित नहीं रहेगा, विचलित वो लोग है जो शास्त्रों के नियमों को पालन नहीं करते हैं। तो एक गृहस्थ में, गृहस्थ बार बार शब्द इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि ना आप सब गृहस्थ हैं, इसके लिए मैं बार बार ये शब्द यूज कर रहा हूँ, एक भक्त के लिए खास करके उसको पूर्ण तरीके से शास्त्रों को नियमों को पालन करना है। आप नोट कर, एक एक पॉइंट को नोट करना चाहिए, शास्त्रों के नियमों को पूर्ण तरीके से पालन करना चाहिए तब वो शांति से जी सकता है जीवन को। तो शरणागति खास करके सब छह प्रकार के शरणागति शास्त्र में कहा गया है, दैन्य आत्मनिवेदन गोतृप्त वर्ण और अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, चार हो गया। पांचवा है भक्ति अनुकूल कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन, ये छह चीज है जिसको शरणागति कहते हैं। क्या क्या है, मैंने क्या बताया, छह शरणागति है, क्या, पहला दैन्य, दैन्य यानी क्या है, ह्यूमिलिटी विनम्रता। तो भक्त कितना विनम्र है उससे आपको पता चल जाएगा कितना शरणागत है, कितना शरणागत पता चल जाएगा वो कितना विनम्र होगा। कोई कोई देखो बात बात में फुक्कार मारते हैं, बिल्कुल एकदम गुस्सा सहन नहीं कर पाते हैं, मगर जो भक्त बड़ा विनम्र भाव से रहता है, और ये आदेश महाप्रभु का भी है, विनम्रता महाप्रभु ने कहते हैं, सहनशीलता विनम्रता बहुत बड़ा गुण है भक्त का, शरणागत भक्त का। दैन्य आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन का अर्थ कहते हैं डेडिकेशन ऑफ द सेल्फ, डेडिकेशन ऑफ द सेल्फ,
क्या कहेंगे हिंदी में, क्या कहेंगे नीमा माता जी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? डेडिकेशन ऑफ द सेल्फ, हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में तो पता नहीं प्रभु जी, कौन बताएगा हिंदी में क्या है? हाँ जयंत प्रभु, क्या है हिंदी में? पूर्ण समर्पण प्रभु जी, पूर्ण शरणम समर्पण। ओके ठीक है। रंजन प्रभु, खुद के लिए वो कितना समर्पण है? कितना डेडिकेशन है उसके अंदर भक्ति के, उसको कहते हैं आत्मनिवेदन। तीसरा है गोतृप्त वर्ण, यानी भगवान कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ क्या कहते हैं उसको, मेंटेनर, मेंटेनर यानी पोषण, पोषण करता, भरण पोषण करता, भरण पोषण करता, कृष्ण को भरण पोषण करता मानना, जीवन का सर्वश्रेष्ठ भरण पोषण करता, मेंटेनर है। हो गया, कितना हुआ? दैन्य आत्मनिवेदन गोतृप्त वर्ण, भगवान को कैसे वर्ण करना है कि ये मेरा मेंटेनर है, भगवान मेरे मेंटेनर। फिर चौथा है अवश्य रक्षिवे कृष्ण, ये विश्वास पालन, ये विश्वास जितना जिनके पास है उतना शरणागत है। क्या विश्वास है? अवश्य रक्षिवे कृष्ण हर स्थिति में, ऐसा नहीं है कि बस कुछ समय पर कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, हाँ कृष्ण है ना कृष्ण है ना, जब इंद्रिय भोग की बात आता है कृष्ण नहीं, कहते ना दुख के समय कृष्ण कृष्ण, सुख के समय कितना कितना, दुख के समय कृष्ण कृष्ण, सुख के समय कितना कितना, कृष्ण कृष्ण नहीं कितना कितना हो जाए, तो फिर शरणागत नहीं है। हर परिस्थिति में कृष्ण ही अवश्य रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना भक्त का, ये चौथा शरणागति का लक्षण है। पांचवा शरणागति क्या है? पांचवा अनुकूल चीजों को स्वीकार करना, भक्ति में जो भी अनुकूल है उसको स्वीकार करना। और छठा क्या है? जो भक्ति में प्रतिकूल है उसको वर्जन करना। ये छह प्रकार का शरणागति के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अपने शरणागति किताब। छह प्रकार का शरणागति सबको समझ में आ गया? क्या समझ में नहीं आया? सुमन माता जी वापस बोलता हूं, कुछ छूट गया तो लिख लो। पहला है दैन्य विनम्रता, आत्मनिवेदनम, तीसरा है गोतृप्त वरण, चौथा है अवश्य रक्षिवे कृष्ण ही विश्वास पालन, पांचवा है अनुकूल्य से संकल्पम, छठा है प्रतिकूल्य से वर्जनम। ये छह जो है शरणागति। ओके तो अभी एक गंभीर भक्त का लक्षण क्या है? मैंने बताया था एक दो दिन पहले, एक गंभीर भक्त का लक्षण क्या है? ये सिंसियर भक्त है। कैसे पता चलेगा ये सिंसियर है? एक तो शरणागत है, ठीक है, वो शरणागत नहीं है मगर सिंसियर है, शरणागत नहीं है उतना मगर सिंसियर बहुत है। समझ में आ रहा है? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? एक तो ये पूर्ण शरणागत है और एक दूसरा है शरणागत उतना नहीं है मगर सिंसियर बहुत है। तो सिंसियर भक्त का लक्षण क्या है, कौन बताएंगे? सिंसियर भक्त का लक्षण, हाँ निवा माता जी। प्रभु जी जो सारे नियमों को पालन करे और जैसे जो रेगुलर मंदिर के प्रोग्राम्स अटेंड करे, मंगल आरती वगैरह जो भी, कोशिश करे शरणागत होने की। वेरी गुड, बहुत सुंदर। यस, जो कोशिश करता है कि सारे नियमों को पालन करने के लिए कोशिश करता है, सिंसियरिटी है, भले ही नहीं हो मगर प्रयास बहुत कर रहा है करने के लिए, वो सिंसियरिटी। वेरी गुड, और कोई हाथ उठाए थे यहाँ पर? रंजन प्रभु
हाँ प्रभु जी, जो अहेतु की अप्रतिहत भक्ति करता है, मतलब भक्ति में कोई बाधा आने से भी भक्ति छोड़ता नहीं है, और अहेतु की वो हमेशा भक्ति ही करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई बाधा आने पर वो अपना भक्ति के कार्यों को छोड़ता नहीं, अंगों को छोड़ता नहीं, साधना को छोड़ता नहीं है। वेरी गुड। और एक कोई हाथ उठा, ईश्वरी गांधर कौन है वहां पर? ईश्वरी गांधर भी माता जी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत कौन है? चंचल है कि ईश्वरी गांधरी माता जी? कौन है इधर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जो भक्त अपनी साधन भक्ति को दृढ़ता के साथ करता है और पूर्ण शरणागति के साथ करने का प्रयास करता है, जो गुरु के आदेशों को हर परिस्थिति में करने का प्रयास करता है, वही एक सिंसियर और गंभीर भक्त। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उत्तर है। वेरी गुड, थैंक यू माता, थैंक यू सो मच। जो अपना साधना को दृढ़ता से करता है और गुरु की वाक्यों को हुबो पालन करता है, बहुत बढ़िया। ओके सुमन माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? और निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा। निस्वार्थ भाव से, ठीक है ठीक है। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सिंसियरिटी, एक सिंसियर भक्त का लक्षण आप लोग ने बताया। तो मुख्य रूप से एक सिंसियर भक्त का लक्षण में तीन चीज मुख्य है, मैंने ऐसे बताया था उस समय पहले, कि पहला उसका साधना। नया माता जी यही बताने वाले हो ना मैं जो बोल रहा हूँ? ओके ठीक है। पहला साधना, दूसरा है सदाचार, तीसरा है सेवा। ये तीन जो बिना रुकावटे नियमित करता है, जैसे प्रभु जी रंजन को बोले ना, अप्रतिहता, कितना बाधा आने पर भी वो अपनी साधना, अपना सदाचार और अपना सेवाओं को त्यागता नहीं है, कम नहीं करता है। ऐसा नहीं है वैष्णव की, वैष्णव सामने है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वैष्णव सामने नहीं है तो व्हाट्सअप चला रहा है, जप नहीं कर रहा है, तो सिंसियरिटी नहीं है। खास करके हम सदाचार, वैष्णव सदाचार को पालन कब करते हैं? जब वैष्णव के साथ में होते हैं। वैष्णव को साथ में नहीं होते तो हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी देखते हैं, लेकिन नहीं, वो निष्ठावान भक्त नहीं है। निष्ठावान भक्त वो है हर परिस्थिति में, अकेले जब रहता है तब भी वो सदाचार को पालन करता है, अपना साधना को करता है, अपना सेवाओं को करता है। अगर सिर्फ भक्तों के सामने करना मिस हो तो दिखावट ही हो गया एक प्रकार से। एक्चुअली भक्तों के साथ में भी कर रहा है, अकेले में भी कर रहा है, तो दिखावटी नहीं है, मगर सिर्फ वैष्णव सामने है तो उनको देख, वो देख रहे हैं क्या सोचेंगे करके करना है, बाकी इस समय करता नहीं है तो फिर तो दिखावटी कर रहा है, लेकिन तो भक्ति दिखावटी नहीं होनी चाहिए। हर परिस्थिति में भक्ति रुकावटी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक सिंसियर भक्त का लक्षण क्या क्या है? अपनी साधना में बिल्कुल मजबूत, अपनी सदाचार एकदम वैष्णव सदाचार, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में वैष्णव सदाचार, और सेवाओं को डेडिकेटली करता है। ठीक है, इतना तक समझ में आया ना? ओके तो साधना में क्या क्या जाता है? श्रवण कीर्तन और स्वाध्याय पठन, तीन चीज हमारे मुख्य रूप से साधना है। क्या क्या है? श्रवणम, कीर्तनम और क्या है? अध्ययन, स्वाध्याय, ये हमारे साधना है। ठीक है, ये हमारा साधना है। सदाचार यानी वैष्णव सदाचार है। सेवा में श्री विग्रह सेवा, वैष्णव सेवा, श्री विग्रह सेवा, वैष्णव सेवा, यानी भगवान का सेवा, भक्तों की सेवा। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा इस बात को मैं जो कह रहा हूं। ठीक है, अभी साधना में श्रवण कीर्तन स्वाध्याय है, ठीक है, और सदाचार है उसके बाद, और सेवा में श्री विग्रह सेवा और साधु सेवा। इसमें जो श्रवण कीर्तन और पठन है ना, अध्ययन, ये तीन जो है पोषण है। क्या है? भक्ति में पोषण। मान लो एक वृक्ष है, वृक्ष के लिए पोषण क्या है? जल है। ध्यान से सुनिएगा, एक वृक्ष लगाया आपने, वृक्ष का पोषण क्या है? उसके जड़ों में पानी देना, ये उसके लिए पोषण है। पोषण यानी उसके आहार है।
ठीक है। तो श्रवण कीर्तन पठन हमारा भक्ति में पोषण है, ठीक है। एक मिनट आप लोग लाइन में रहिए। ठीक है, ओके। तो श्रवण कीर्तन और अध्ययन यह हमारा पोषण है, भक्ति भक्ति का पोषण है। वैष्णव सदाचार क्या है? ये हमारे भक्ति का बाउंड्री है, भक्ति रूपी लता का बाउंड्री है। वैष्णव सदाचार हमारा बाउंड्री है। तीसरा, सेवा में श्री विग्रह सेवा, वैष्णव सेवा, ये क्या है? ये दोनों फल है, वृक्ष का फल है एक्चुअली। मान लो आपको भगवान का श्री विग्रह का सेवा प्राप्त हो गई तो सोचो आपकी श्रवण कीर्तन और पठन का वो फल है। आपको कोई वैष्णव का सेवा मिल गया तो आप सोचिए कि आपका ये फल है वृक्ष का। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? श्रवणम कीर्तनम और पठनम, ये तीन पोषण है भक्ति में। ये तीन बंद कर दोगे आपका वृक्ष क्या होगा? कृष्ण, आपका वृक्ष सूख जाएगा। पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? वृक्ष सूख जाएगा। तो उसको रोज पानी देना जरूरी है वृक्ष को। तो ऐसा रोज जरूरी है तीन, ये तीन चीज कौन सा? श्रवण कीर्तन पठन, हाँ? ये तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी है कीर्तनम, सबसे ज्यादा जरूरी है नाम जप, 16 माला का जप सबसे ज्यादा। ये दो कभी कभी छूट जाता है तो भी चलेगा, नहीं चलेगा मगर तो भी चलेगा, मगर जप नहीं छूटना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ गए? ये श्रवणम पठनम अगर कभी छूट जाता है नहीं छूटना चाहिए, अगर छूट जाता है तो भी कभी काल में चल जाएगा, मगर की जप नहीं छूटना चाहिए, जब कभी किसी भी हाल में नहीं छूटना चाहिए। तो ये हमारा भक्ति में पोषण है वैष्णव सदाचार। मान लो आप खूब जल, अच्छे से जल दे रहे हो दोनों टाइम, तीनों टाइम अच्छे से पोषण तो कर रहे हो, मगर उसको बाढ़ नहीं बनाया आपने, खेती को आपने, वृक्ष को आपने, लता को बाढ़ नहीं बनाया, तो क्या होगा? कोई बकरा आएगा, कोई गाय आएगा, वो खा जाएगा, नष्ट कर देगा। इसलिए वैष्णव सदाचार साथ साथ में बहुत जरूरी है। पोषण जितना जरूरी है उतना ही बाउंड्री जरूरी है एक पौधा के लिए, तब जाके एक सुंदर फल प्राप्त होगा आपको, अगर इतना ध्यान रखोगे, ठीक है। एक हमारे आचार्य लोग ये भी कहते हैं, वैष्णव सेवा, श्री विग्रह सेवा भी हमारे एक प्रकार की साधना में जाता है। भक्तिनाथ ठाकुर कहीं पर कहे हैं, वो भी हमारे भक्ति में एक प्रकार की पोषण है। मगर सोचो आपको वैष्णव सेवा मिल गया, मीन वो लोग, ये हमारा भक्ति का सार्थकता है, मुझे वैष्णव सेवा मिली है, भगवान का सेवा मिली है, सार्थकता है। और भगवान से, भगवान का सेवा से ज्यादा आसान है वैष्णव सेवा, और इंपॉर्टेंट भी वैष्णव सेवा है। समझ में आ रहा है क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है वैष्णव सेवा? भगवान की सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैष्णव सेवा क्यों? कौन बताएगा? जो नहीं बता रहे वो बताइए। राकेश भवसार को बोलेंगे, राकेश को बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक लाइफ इंटरेक्शन है और सेवा का इमीडिएट रिएक्शन भी मिल जाता है। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। हाँ मोहित प्रभु बताइए। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम जी। प्रभु प्रणाम प्रभु जी। वो वैष्णव सेवा ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों, उनके भक्तों की जो भक्त की सेवा करते हैं उनको भगवान ज्यादा प्रिय। ओके, वेरी गुड। भगवान ने कहे हैं
कि अगर भक्त का जो सेवा करता है वो मेरा ज्यादा प्रिय है, इसके लिए वैष्णव सेवा ज्यादा इम्पोर्टेंट। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। और कोई हाथ उठा रहे हैं क्या? हाँ माता जी बोलिए, उद्धार माता जी बताइए। ठीक है, काम में भी ओके, ठीक है, यस। तो बहुत जरूरी है वैष्णव सेवा। तो अगर वैष्णव सेवा करना सीख गए तो भगवान का सेवा कर सकते हो। भगवान अपराध, भगवान के सेवा में अपराध दृष्टि है, समझ में आ रहा है? वैष्णव की सेवा में अपराध दृष्टि नहीं है, समझ में आ रहा है? भगवान का सेवा करने के लिए बहुत सारा मंत्र, तो मंत्र मंत्र पता होना चाहिए। वैष्णव की सेवा में क्या मंत्र चाहिए? कोई मंत्र चाहिए रहता है? आप जो डीटी वर्शिप करते हो उनको कितना मंत्र चाहिए रहता है? मगर वैष्णव सेवा में क्या मंत्र चाहिए? कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ वैष्णव सदाचार को पालन कर रहे हो तो वैष्णव सेवा कर सकते हो अच्छे से। ओके, तो यस, तो ये हमारा जीवन में बहुत जरूरी है, साधना, सदाचार और तीसरा है सेवा। ये तीन चीज जो डेडिकेटली करता है वो एक सिंसियर भक्त हो सकते हैं। तो आप में से अभी कौन कौन सिंसियर हाथ उठाइए, मैं अभी नोट करना चाहूंगा आप में से कौन कौन सिंसियर भक्त हैं। ओके, बहुत सारे भक्त हाथ उठा रहे, कुछ लोग डर के हाथ भी नहीं उठा रहे। क्यों, आप सिंसियर भक्त नहीं है? अच्छा है, आप सभी सिंसियर भक्त हो, वैसा देखा जाए सभी सिंसियर भक्त। तो सिंसियरिटी सबके अंदर है मगर परिमाण कम है। सब सिंसियर है मगर किसी का परिमाण ज्यादा सिंसियर है, किसी का परिमाण कम, मगर है सिंसियर सब, ठीक है? मगर हमको पूर्ण सिंसियर बनना है। पूर्ण सिंसियर जो बनता है, मेरा टॉपिक यही था कि गुरु का कृपा किसको प्राप्त होगी। जो पूर्ण सिंसियर है उसको गुरु का कृपा प्राप्त होगी। जो अपना साधना सिंसियरली करता है, जो अपना जो सेवा देते हैं वरिष्ठ भक्त अथॉरिटी, वो सेवाओं को दृढ़ता से करता है। जो अपनी सदाचार को कभी भूलता नहीं है जीवन में, हर परिस्थिति में सदाचार को पालन करता है, ऐसे सिंसियर भक्त के ऊपर गुरु का कृपा जल्दी होती है, उसके ऊपर गुरु का कृपा जल्दी होता है। तो हम जितना सिंसियर है हम उतना गुरु की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, उतना जल्दी गुरु की शरण ले पाए। हम जितना इस चीजों में ढीला होंगे उतना गुरु की कृपा से दूर रहेंगे। साधना में ढीला है, सदाचारों का अच्छे से पालन नहीं करते, सेवाओं में कोई रुचि नहीं है, मन नहीं है, तो गुरु की कृपा से हम बच रहे हैं। गुरु तो हमेशा उनकी कृपा बरस रही है मगर हमने उसको लेने के लिए तो हम तैयार नहीं है, हमारे पास पात्र नहीं है लेने के लिए। तो कृपा को रखेंगे उसके लिए पात्र चाहिए, ये पात्र यही है आपका सिंसियरिटी ही आपका पात्रता है, आपका सिंसियरिटी ही आपका पात्रता है, गुरु की कृपा को ग्रहण करने का पात्र है। तो इसके लिए हमको सिर्फ भक्त नहीं बनना है, हमको सिंसियर भक्त बनना है। क्या हमको सिर्फ दिखावटी के लिए भक्त नहीं बनना, मैं भी इस कौन का भक्त हूं, नहीं, इसके लिए भक्त मत बनिएगा, मैं भी इस्कॉन का भक्त हूँ, ये बुलवाने के लिए मत बनिए। इस्कॉन एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, जब इस्कॉन का नाम लेता हूं तो सामने बोला अच्छा इस्कॉन का भक्त बहुत बड़ा है, इसके लिए भक्त नहीं बननी हमको, हमको सिंसियर भक्त बननी है। और सिंसियर भक्त में ये कंपल्सरी है, श्रवणम अच्छा है उसका, कीर्तनम अच्छा है, पठनम अच्छा है, सदाचारों को अच्छे से पालन करता है, श्री विद्रोह और साधुओं का सेवा बढ़िया से करता है। तो आप माप सकते हैं आपका माप सिंसियरिटी का, क्या बोलते हैं, मापदंड, आपका परिमाण कितना है वो आप माप सकते हैं, कितना आप ये चीजों को सिंसियरली करते हैं उतना आप सिंसियर है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ब्रह्मचारी ही इस चीजों को कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं घर गृहस्थी वाले, बिल्कुल भी नहीं। एक ब्रह्मचारी से कहीं गुना श्रेष्ठ गृहस्थ होता है, यस, अगर वो सिंसियर है तो।
अगर एक ब्रह्मचारी आश्रम में रह के भी वो सेवा में ध्यान नहीं देता है, वो उसकी साधना ठीक नहीं है, उसके आचरण ठीक नहीं है, मगर एक घर में रहते हुए पत्नी बच्चों के साथ रह के अगर वो उसका आचरण अच्छा है, उसका साधना अच्छा है, उसका सेवा अच्छा है, तो वो एक ब्रह्मचारी से श्रेष्ठ है, एक सन्यासी से भी श्रेष्ठ हो सकता है। जरूरी नहीं कि उसको घर बार त्यागना पड़े, नहीं ना उसको ऐसे ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ एक आश्रम ही है, एक महत्वपूर्ण आश्रम कह सकते, एक जिम्मेदारी आश्रम कह सकते उसको। तो हमको जिम्मेदारी भक्त बनना है, जिम्मेदार भक्त, क्या बनना है, जिम्मेदार भक्त। दो बेटे होते हैं, एक बेटा बिजनेस को संभाल लिया, एक बेटा ऐसे ही घूम रहा है अभी तक नालायक जैसा, कौन ज्यादा श्रेष्ठ है उस दोनों में? तो जिम्मेदारी उठाया पिताजी का, सही बात है, लेकिन जिम्मेदारी लड़का बहुत उससे इससे श्रेष्ठ, एग्जैक्टली ऐसा है। हमने कितना जिम्मेदारी उठा लिया, हमने कितना माला जप करने के लिए जिम्मेदारी उठाया है, हमने दिन में कितना घंटा श्रवण करने का जिम्मेदारी उठाया है, हमने दिन में कितना समय अध्ययन का जिम्मेदारी उठाया है, हमने वैष्णव सदाचारों को कितना दृढ़ता से पालन करेंगे जिम्मेदारी उठाए हैं, हम भगवान और वैष्णव का सेवा कितना परिमाण में करेंगे जिम्मेदारी उठाए। तो जिम्मेदार भक्त बनना है, सिर्फ भक्त में। तो आप लोग अभी वो कहते हैं ना संडे फिस्ट वाले नहीं है, संडे फिस्ट में आते हैं कोई कोई आगे कथा सुन लिए, कीर्तन में हरि बोल कर दिए, खाए निकल गए, फिर सुमंत्र साल भर दिखते नहीं है, वैसा भक्त तो हम नहीं है, समझ आ रहा है। हम सिंसे हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, उन लोगों से थोड़ा आगे चले गए हैं, हम वो भक्त नहीं रहे। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं संडे को ही आऊंगी या आऊंगा, नहीं, अगर जिम्मेदारी है तो मंडे भी आना पड़ेगा, जिम्मेदारी है तो ट्यूसडे भी आना पड़ेगा, है कि नहीं है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ संडे ही आना, जिम्मेदारी भक्त। और कृष्ण को कैसा भक्त चाहिए, कृष्ण को कैसा भक्त चाहिए, वीकली मंथली ईयरली और जिम्मेदारी वाला, कौन कौन कैसा भक्त कृष्ण को चाहिए, वीकली भक्त या मंथली भक्त या ईयरली भक्त, डेली भक्त, कौन सा भक्त चाहिए कृष्ण को, डेली, रोज जो आते, रोज जो सिंसियरली करते, जिम्मेदार भक्त, जिम्मेदारी, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी उठाना है आपके जीवन। जो जिम्मेदारी नहीं उठाता है, जो शास्त्र, जिस जो शास्त्र को नहीं मानता उसके लिए शास्त्र है, क्या है, जो शास्त्र को नहीं मानता उसके लिए शास्त्र है, कहते हैं ना, एक होता है बातों से मान जाता है और एक होता है लातों से मानता है। तो हमको बातों से मान जाना चाहिए, लात तक नहीं जानी चाहिए, है कि नहीं, हमको गुरु वैष्णव शास्त्र हमको बता दिए ये मार्ग है, बस समझ जाना चाहिए, उस मार्ग को अपना देना चाहिए। मुझे एक मैं राधेश्याम प्रभु जी से सुबह एक उनके लेक्चर सुन रहा था, मुझे एक उदाहरण इतना प्रभावित किया, मैं मीन्स उतना मेरे हृदय को मीन्स छुआ, वो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा अनुभव प्रभु जी की कथा से। प्रभु जी एक उदाहरण दिए, बॉम्बे में श्रीनाथ प्रभु करके प्रभु जी, ये बहुत बड़े अमीर है, माता जी जानती होंगी, निभा माता जी जानती होंगी श्रीनाथ प्रभु को, बहुत वरिष्ठ भक्त है, परम पूज्य राजनाथ स्वामी जी के शिष्य है। तो उनकी दामाद के बारे में बोल रहे थे, उनकी दामाद जब यंग थे वो राधा गोपीनाथ मंदिर में आया जाया करते थे, आश्रम में आया जाया करते थे, यूथ थे, तो होता है ना जैसा संगति होता है वैसे ही उनको बनने को इच्छा होती है। तो ब्रह्मचारियों के साथ ज्यादा उठना बैठना हुआ तो उनके मन में आकर मुझे ब्रह्मचारी बनना, वो ब्रह्मचारी बनने का इच्छा था। तो राधानाथ महाराज जी देखे कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का लड़का है ऑलरेडी, राधानाथ महाराज उनको बुला के कहे कि आप ब्रह्मचारी होके जितना सेवा नहीं कर सकते हो कृष्ण का, एक गृहस्थ होके आप उससे ज्यादा सेवा कर सकते हो, तो आप एक काम करो, आप गृहस्थ बनो और आप अच्छा बिजनेस करो और बिजनेस का प्रॉफिट जो है कृष्ण के लिए दो, कृष्ण को दो, ये राधानाथ महाराज उनको कहे। तो उन्होंने अपना श्रीनाथ प्रभु जी की बेटी को विवाह किया, एक्चुअली सनील लॉ है उनके, वो प्रभु जी का नाम है राधा गिरिधारी प्रभु, जो प्रभु जी है राधा गिरिधारी प्रभु।
तो महाराज जी के आदेश के अनुसार उनका एक बिजनेस चल रहा था, अच्छा उन्होंने और एक बिजनेस चालू किए और उस बिजनेस का 100% प्रॉफिट राधा गोपीनाथ जी के लिए दिए। समझ में आ रहा है? एक अलग बिजनेस शुरू किए महाराज के आदेश से, उनका बिजनेस एक ऑलरेडी चल रहा था, एक दूसरा बिजनेस शुरू किए, उस बिजनेस का 100% प्रॉफिट राधा गोपीनाथ जी की सेवा में दिए। उन्होंने करोड़ों रुपया देते हो आज भी, हाँ आज भी दे रहे करोड़ों रुपया राधा गोपीनाथ जी की सेवा में। ये एक पूर्ण शरणागत है। एक ब्रह्मचारी होके उतना सेवा नहीं कर सकते, जो अभी गृहस्थ होके बिजनेस करके उतना सेवा कर रहे हैं भगवान का, गुरु का, और गुरु के आदेश को पालन किए उन्होंने। अगर गुरु बोले कि आप ब्रह्मचारी बनो, बोले नहीं गुरु में गुरुदेव में गृहस्थ बनना चाहता हूं, तो भी ठीक नहीं है। गुरु जी बोलते हैं गृहस्थ बनो, नहीं मैं तो साधु बनना चाहता हूं, ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं, वो भी ठीक नहीं है। गुरुदेव बोले गृहस्थ बनो तो गृहस्थ बनना है, गुरुदेव बोले ब्रह्मचारी बनना ब्रह्मचारी, गुरुदेव बोले बिजनेस करना है तो बिजनेस करना है, गुरुदेव बोले कि चुपचाप बैठ के भजन करना है तो भजन करना। तो मुझे ये और उन्होंने एक बोर्ड मीटिंग रखे थे सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन का, तो राधेश्याम प्रभु कह रहे थे कि वो भी उस मीटिंग में थे, तो प्रभु जी कह रहे थे राधा गिरिधारी प्रभु जी बोले कि आप लोग सब कैपेबल हो, दूसरा बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो सब लोग ताली बजाए, हरी बोल, हाँ हाँ हम दूसरा बिजनेस शुरू कर सकते, हम कैपेबल है। फिर बाद में बोले कि आप वो जो दूसरा बिजनेस शुरू करोगे उसका 100% प्रॉफिट जो है राधा गोपीनाथ को देना। तो सब लोग चुप हो गए, हम के राधा गोपीनाथ जी के लिए दूसरा बिजनेस शुरू करेंगे। तो फिर प्रभु जी कहे उनको कि मैं स्वयं दे रहा हूं, इसके लिए मैं आपको बोल सकता हूं, मैं बोल रहा हूं। वो कहे तो देखिए, एक गृहस्थ होते हो भी उतना शरणागत है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति। ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये उनके जीवन। तो आज भी वो कहीं करोड़ों रुपया भगवान को देते हैं सेवा के लिए। तो खास करके गृहस्थ के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तीन चीज कभी नहीं त्यागनी चाहिए। क्या क्या? यज्ञ, दान, तपस्या। एक गृहस्थ को तीन चीज कभी नहीं त्यागना चाहिए, यज्ञ, दान, तपस्या। यज्ञ करते रहना है, हमारे कलयुग का यज्ञ क्या है? नाम यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ करते रहना, ये कभी नहीं त्यागना है। दान, एक गृहस्थ अपने कमाई का कुछ अंश भगवान को देना ही चाहिए। दान, दान दे, दान में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, उसका कुछ कुछ धन को भगवान की सेवा में दे देना चाहिए, वैष्णव सेवा में दे देनी चाहिए। और तीसरा तपस्या, तपस्या को कभी नहीं त्यागनी चाहिए गृहस्थ। तो आप कह सकते ब्रह्मचारी तपस्या त्याग सकता है और यज्ञ त्याग सकता है, दान त्याग सकता है? नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मचारी के लिए कंपलसरी है वो, तो वो क्या बोलते हैं उसको, इनबिल्ड है उसका, इनबिल्ड है ये तीन चीज, उसको यही करना है और उसके लिए और कोई ऑप्शंस नहीं है। मगर गृहस्थ के पास बहुत ऑप्शन होने के कारण उनको कभी ये तीन चीज नहीं त्यागना चाहिए, उनको करना ही चाहिए कंपलसरी। ऐसा है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी का इनबिल्ड है ये चीज, वो यज्ञ करेगा ही करेगा, वो दान देगा ही देगा और वो तपस्या करेगा ही करेगा, है कि नहीं? तो यस, तो इसके लिए हमको बहुत भक्ति में ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोग कितना लोग चाहते हैं कि प्रभु जी हमको सिंसियर भक्त बननी है, नामी भक्त नहीं बननी है, सिंसियर भक्त बननी है? ओके, वेरी गुड। सब भक्तों का ये इच्छा है कि सिंसियर बनने। तो सिंसियर भक्त बनना है तो आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, सिंसियर भक्त बनने के लिए इसको फॉलो करने पड़ेगा, साधना, सदाचार, सेवा, इसको बिल्कुल दृढ़ता से करनी पड़ेगी, तो सिंसियर बनना। जिसका साधना कमजोरी है वो पाप को बुलावा दे रहा है, आ जाओ आ जाओ, वेलकम वेलकम वेलकम। समझ में आ रहा है? किसको बुलावा दे रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है? साधना कमजोरी मीन्स आप पाप को इनवाइट कर रहे हो, पाप को। वो व्यक्ति पाप कर लेता है जिसका साधना ढीला ढाला है। चाय पी लिया, कैसे पी लिया? साधना ढीला है, ठीक है पी लिया, आप कर लिया। जिसका साधना स्ट्रॉन्ग है किसी भी हाल में वो पाप नहीं करेगा। इसके लिए साधना को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, और खास करके
आप सब भक्तों को मेरा निवेदन है, एक विशेष निवेदन है, साधना जो जपा है ये सुबह 8 बजे से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका जपा 16 माला। कितना बजे से पहले? मैं 9, 10, 11, 12 नहीं बोल रहा हूँ, मैं कितना बजे बोल रहा हूँ टाइम, 8 बजे से पहले बोल रहा हूँ मैं, 8 बजे से पहले 16 माला कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट। बहुत कठिन है ना ये, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, 8 बजे से पहले जपने। आप ब्रह्मचारी लोग तो मुझे क्या है, 8 बजे सो जाते हो, 7 बजे सो जाते हो शाम को, और सुबह आप 1 बजे उठ सकते हो। हम घर गृहस्थी वाले घर पे आते हैं 10 बजे ऑफिस से, खाना पीना ये करना वो करना, टाइम जाता है, फिर कैसे उठ पाएंगे? देखिए, भले आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, नियम सबके लिए सेम है। ऐसा मत सोचो कि आपके लिए कुछ अलग है। गृहस्थों के लिए एक ही छूट है, स्त्री और बच्चों के साथ रह सकते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में रहेगा, घर में नहीं रह सकते। इतना ही छूट है आपको कि आप अपनी पत्नी बच्चों के साथ रह सकते हैं, और कोई ज्यादा छूट नहीं आप लोगों को, समझ में आ रहा है? ऐसा मत सोचो गृहस्थ में मुझे सब छूट है, मैं सब कर सकता, नहीं, इतना ही छूट है आप बीवी बच्चों के साथ रह सकते, ज्यादा और कुछ छूट नहीं है। आपको भी जल्दी सोना है, आपको भी जल्दी उठना है, आपको भी 16 करनी है, ब्रह्मचारी को भी 16 करनी है, आपको भी सेवा करना है, उनको भी सेवा करना है। ऐसा थोड़ी है कि भगवत धाम में जो गेट है वहां पर चेक करेंगे। आप गृहस्थ हो, ठीक है ठीक है, आप गृहस्थ हो तो ढीला ढाला भक्ति है, चलेगा, आप चले जाओ अंदर, चले जाओ, ब्रह्मचारी हो, स्ट्रांग होना चाहिए आप, ऐसा तो नहीं है। वैकुंठ धाम की, गोलोक धाम की द्वार पर ये नहीं देखा जाएगा कि गृहस्थ है कि ब्रह्मचारी, वो देखा जाएगा कि कितना ये शुद्ध है, ये कितना शुद्ध है वो देखा जाएगा। जो पूर्ण शुद्ध है उसको अंदर छोड़ देंगे, जो शुद्ध नहीं है फंस जाएंगे, जा नहीं पाएंगे। इसके लिए नियम सबके लिए सही, और ये जो नियम है प्रभुपाद जी ने बताए हैं, हमारे आचार्य बताए, ये नियम हमको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है हमेशा। नियम ही हमारे लिए प्रोटेक्शन है, समझ में आ रहा है? नियम कोई भार नहीं है। ऐसा मत सोचो कि नियम थोपा जा रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ा भार है, नहीं 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 नहीं, नियम हमारे लिए प्रोटेक्शन है जी। हम जितना नियमों को पालन करेंगे उतना हमारे लिए भक्ति बड़ा इजी। मैंने ये बताया आपको, मैं ये चर्चा करने वाला हूँ कि कैसे आसानी से भक्ति करेंगे, यही है, नियमों को पालन करो आपके लिए सब आसान है। कोई कहता है मेरा जप में मन नहीं लगता है, नियमों को पालन करो जप में अपने आप मन लगेगा। क्या नियम है? जल्दी सो के जल्दी उठना है, समझ में आ रहा है? ये हर एक भक्त इस नियम को अपने जीवन में नक्की कर लो कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, जल्दी यानी 9 से 10 के बीच में सोना है। जल्दी मीन्स 12 बजे जल्दी नहीं होते हैं रात को, जल्दी मीन्स 9 से 10 के बीच में सो जानी है। जल्दी उठना मीन्स सुबह आपको 4, 4:30 तक उठ जानी चाहिए। ये हर एक भक्त को करनी चाहिए अगर सिंसियर बनना चाहते हो, नहीं ऐसे ही रहना चाहते हो और थोड़ा चले जाए और 10 साल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कितना कि कौन कौन भक्तों को उत्कंठा है कि मुझे दीक्षा लेनी है गुरु से, कितना लोग आप में से जो चाहते हो कि मुझे जल्दी से भक्त गुरु के आशीर्वाद चाहिए, मुझे गुरु से दीक्षा लेनी है, उस वक्त हाथ ही नहीं उतारेगी, जाने तो क्या करना है इस ऊपर के। जिनका जिनका वीडियो चालू नहीं पता ही नहीं चलता कि उसे वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अरे भाई वीडियो तो चालू रखो, वीडियो ऑन कर दो। हाँ जी, वीडियो ऑन करेंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, वीडियो ऑन करो, हाथ उठाने से नहीं चलेगा। हाँ जो कर सकते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके थैंक यू, ठीक है, यस। तो आप सबको गुरु की शरण लेनी है कि नहीं, गुरु से दीक्षा लेनी है, तो इसके लिए आपको आप ही डिसाइड करनी पड़ेगी। आपको अगर 1 साल गुरु का दीक्षा, ऐसा नहीं कि कल आके गुरुदेव बोलेंगे बेटा चल उठ तेरे को दीक्षा देने आया, ऐसा नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होने वाला है कि गुरुजी आके बोलेंगे चल 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 हो गया बहुत हो गया चलो अभी दीक्षा ले लो, ऐसा नहीं है। अगर आपको 1 साल के बाद दीक्षा लेना तो आप डिसाइड करनी पड़ेगी आपको क्या करनी है, मुझे कितना मैं नियमों को पालन करूं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, इसलिए सिंसियर भक्त बननी है हमको, सिंसियर भक्त बननी। इसके लिए हम खास करके जो उदयपुर भक्त हैं, ऐसे हमारा इस्कॉन में बहुत नियम है।
आप कोई दूसरी संस्था में दीक्षा लेना चाहोगे आपके लिए बहुत आसान है, तो आप डिसाइड कर लेना इस कौन से लेना है या दूसरे कहीं से लेना, ये डिसाइड आप कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो। इस कौन में लेना है तो नियम बहुत है, और कहीं लेना है तो आसान है। मैं आपको बताता हूँ, संन्यास लेना है ना जिन जिन भक्तों को, 2 साल में संन्यास मिलेगा आपको गौड़ीय मठ में, अगर आप जाएंगे 2 साल अच्छे से सेवा करना संन्यास दे देंगे आप। इस्कॉन में संन्यास लेना है तो 40 साल वेट करना पड़ेगा, 40 इयर्स, कितना साल 40 साल। उसके बाद 5-10 साल वेटिंग में रखेंगे, 50 साल के बाद 10 संन्यास मिलेगा। ये तो सिर्फ एक टाइम का नियम है, इसके अलावा अनेकों नियम है, तो हर एक चीज में नियम है। और देखो जिस संस्था में नियम है वो संस्था का नाम बहुत ऊपर है, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? जो संस्था में नियम नहीं है ना वो संस्था को कोई उतना नहीं मानता, हाँ ये तो ऐसे ही है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, नियम है रे, इनका बहुत नियम है। इस्कॉन को क्यों लोग रेस्पेक्ट करते हैं? एक अज्ञानी व्यक्ति भी इस्कॉन को रेस्पेक्ट सल्यूट करता है, क्यों? नियम आप लोग का तगड़ा नियम है, चाय नहीं पीना मीन्स आपका बच्चा भी चाय नहीं पीता, ये आप लोग का नियम, ये रेस्पेक्ट है। और ये नियम कौन भागवत में बताया गया है, ये नियम कोई ऐसा मन धड़न तरीके से कोई नियम नहीं है, भागवत का नियम है, शास्त्रों का नियम है, नियम पालन का। तो खैर कई सारे हमारे जीवीसी ने नियम बनाए दीक्षा के लिए, तो उसमें एक नियम था आईडीसी कोर्स का, तो आप लोग सब भाग्यशाली हो, आईडीसी कोर्स आपका आसानी से हो गया, मगर ये ही क्वालिफिकेशन, पूर्ण क्वालिफिकेशन नहीं है दीक्षा के लिए, इसके अलावा भी कई सारा क्वालिफिकेशन चाहिए हमको दीक्षा के, लेकिन तो अगर दीक्षा हमको लेनी है तो हमको सिंसियर बननी है, सिंसियर बनने के लिए हमको नियम में बंधना पड़ेगा, नियम में बंधना पड़ेगा। आप देखा जो बैल होते हैं ना, बैल हल जोतते, हल जो बैलगाड़ी में जो व्यक्ति होता है, आप देखा है बैलों के नाक में एक रस्सी रहता है, बांधा रहता है नाक माक से ये करके एक रस्सी बांधा रहता है, कौन कौन जानते हैं इस बात को, बैल की नाक में से एक रस्सी लगे, हाँ लगाम है वो, लगाम वो बैल एकदम लगाम में रहता है, वो बैल को अगर यहाँ लेना है तो इस तरफ घूमेंगे तो बैल उस तरफ घूमेगा, इस तरफ घूमेंगे इस तरफ, ऐसे ही हमारे लिए भी लगाम है, क्या है? शास्त्र, शास्त्रों का नियम हमारे लिए लगाम है। अगर लगाम में रहेंगे तो सही रास्ते में चलेंगे, लगाम नहीं रहेगा, इसे लगाम को मीन्स कौन कंट्रोल कौन कर रहा है? गुरुदेव, गुरु कंट्रोल कर रहे हैं, शास्त्रों की बाकी हमारे लिए लगाम है। अगर लगाम में रहेंगे तो गुरु की हाथ में रहेंगे, लगाम में रहेंगे तो हम प्रॉपर चैनल में चलेंगे। अगर जिस बैलगाड़ी में कोई व्यक्ति नहीं है लगाम ये करने के लिए, वो बैल कहीं भी जाएंगे, हो सकता है कोई खाई में भी गिर सकते हैं बैल, सही बात है ना कि नहीं? सही बात है ना? तो लगाम बहुत जरूरी है उस बैल के लिए, नहीं तो गाड़ी कहीं भी जाएगा, लगाम के बिना गाड़ी कहीं भी जाएगा, तो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो नियम है ना शास्त्रों का, ये हमारा लगाम है एक प्रकार से। अगर हम नियम में रहेंगे तो हमारा आध्यात्मिक मार्ग एकदम सुगम हो जाएगा, बड़ा आराम से चलेंगे। बैलों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, सिर्फ चलना होता है। दिशा निर्णय कौन करते हैं? ऊपर बैठने वाला दिशा निर्णय करते हैं बैलगाड़ी का। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हमारा दिशा निर्णय करेंगे गुरु। लगाम क्या है? शास्त्रों का नियम है, शास्त्रों का नियम। इसलिए हमको शास्त्र के नियम में रहना है, गुरु की शरण में रहना है, समझ में आ रहा है? अगर बैल बहुत ज्यादा हंगामा करेगा तो क्या होगा? मान लो गया इसको कौन मानता है, जो हम अपने हिसाब से चलेंगे तो खाई में गिरेगा। जो बैल शांति से ठीक है वो जैसे चला रहा, हम जैसे चलेंगे घर तक पहुंच जाएंगे। तो हमको पहुंचना अपने घर तक ना, बहुत लंबा रास्ता पहुंचनी है, ध्यान रखना वहां तक पहुंचनी है तो हमको लगाम में रहना पड़ेगा, लगाम में रहना पड़ेगा, गुरु की शरण में रहना, समझ में आ रहा है? यस। तो ठीक है, मोटा मोटी यही मुझे आज कहना था आप लोग को कि कृपया आप थोड़ा सा सिंसियरिटी से अपना जप साधना सेवाओं को करिएगा, अध्ययन करिएगा, नियम बना के करिएगा। और हम अभी खास करके जो आईडीसी कर लिए हैं उन लोग, आप लोग जो आईडीसी कर लिए, कौन कौन कर लिए हाथ उठाओ, तो कौन कौन आईडीसी वाले यहाँ पर है?
आप लोग कैमरे की नजर के सामने वास है, क्या समझे? आप लोग कैमरे की नजर के सामने हो, यानी कैमरे के सामने हो, क्योंकि लिखा रहता है ना, हाँ, रेलवे स्टेशनों में या कहीं ऑफिसों में यू आर द अंडर सीसीटीवी कैमरा, ऐसा कुछ लिखा रहता है, आप कैमरा के सामने ध्यान रखना। तो ऐसे है जो आईडीसी कर लिए हैं वो लोग अभी कैमरे की नजर के सामने, आप लोग को अभी लगाम में रहनी है और आप कुछ भी इधर उधर कुछ भी करोगे तो पता चल जाएगा हम लोग को, ठीक है? नहीं तो हम लोगों ने सबको एक प्रकार का वो एक आपके शरीर में एक लगा दिया, एक मशीन, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सब हमको पता चलेगा यहाँ पर बैठे बैठे, है कि नहीं? तो इसलिए बी केयरफुल, बी केयरफुल, है कि नहीं? तो यस, थैंक यू। कुछ प्रश्न है तो पूछिए, मुझे और भी कुछ आपको बताना है, कुछ गुड न्यूज देनी है आपको, खुशखबरी कुछ देनी है आपको, तो अभी कुछ प्रश्न पूछनी है तो आप पूछिए, 5 मिनट के लिए आपको मैं दे रहा हूँ समय। कोई भी प्रश्न है आपके मन में जिज्ञासा आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई प्रश्न है किसी का? बोले प्रभु जी इतना हैवी आप बता दिया, अभी क्या प्रश्न पूछेंगे, दिमाग खराब करके रख दिया आपने आज, प्रश्न तक कोई बात ही नहीं प्रश्न। हाँ क्या प्रश्न है माता जी, आप हाथ उठाए हैं? सुमन माता जी प्रश्न है आपका? यस प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं जी है, पर कुछ पूछना हाँ था प्रभु जी। कि जैसे मैं जब करती हूँ तो मेरे को पीठ बहुत दर्द होने लगती है, बैठती हूँ तो मैं क्या चल के कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल के करिए। मुझे लगता है कि शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, उस हिसाब से मैं क्या बैठी रहती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान पूर्वक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चल के करिए। शरीर साथ नहीं गया तो क्या करें, मैं 2 दिन तो सो के किया आप तो चलने की बात करें, मैं 2 दिन सो के किया माता जी जपा बड़ा अटपटांग लग रहा था, सो के करने करें क्या, शरीर साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। हाँ जी, और किसी को कुछ प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई कंफ्यूजन? हाँ माता जी, क्या हो गया? हाँ नेहा माता जी हाथ उठाई थी ना, एक मिनट। हाँ माता जी बताइए। हरे कृष्णा, आप जाइएगा मत, हाँ खुशखबरी सुन के जाइएगा जी। नेहा माता जी बताइए। प्रभु जी आपने ये बोला जल्दी सोना है जल्दी उठना है, तो यहाँ थोड़ा सा चैलेंज है ना? ओके, जल्दी सोने का चैलेंज है, जल्दी उठने का कोई चैलेंज नहीं, जल्दी उठो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, अगर जल्दी सो नहीं पाते कोई बात नहीं, जल्दी उठ जाओ आप उठ ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए, ठीक है? अगर कोई कहता है कि नहीं प्रभु जी 11 बजे से पहले तो मेरा सोना हो नहीं पाएगा, घर गृहस्थी है, पिताजी को खाना देना पड़ता है, पति लेट आते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं, आप 11 बजे भी सोते हो सुबह कॉम्प्रोमाइज मत करो, मैं 11 बजे सोया तो थोड़ा 1 घंटा लेट उठूंगा, नहीं, आपको सुबह आपका साधना पक्का होनी चाहिए। हाँ और कौन हाथ उठाए थे? यस माता जी, दिनेश माता जी बताइए, अनम्यूट करिए जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है माता जी, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप लोग आवाज आ रहा है माता जी का, आवाज आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा है ना, मुझे भी नहीं आ रहा है, एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करिए। यस सुमन माता जी, कभी जी जन्माष्टमी का क्या रहेगा? वही खुशखबर दे रहा हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुक जाइए। आपका और प्रश्न है क्या कुछ? सुमन माता जी कोई प्रश्न है क्या आपका?